बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 2 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। और इस चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.8, और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने आज 1 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें जो एक सीरीज यूज होगी उसका नाम है मैक्लॉरिन सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज के फार्मूले को समझेंगे, उसमें कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम लोग ने पूरी करनी है, और इसके जो प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग ने किस तरीके से सॉल्व करना है, आज हम लोग ने ये डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है कि हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है, ठीक है, वो इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ 0 प्लस एक्स, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे एक्स है तो 1 फैक्टोरियल होगा, अगर इस एक्स की डिग्री यहाँ पे 2 है और डेरिवेटिव भी सेकेंड है तो नीचे कितना होगा 2 का फैक्टोरियल, प्लस इसी तरह क्या होगा x थर्ड 3 x की पावर 3 है तो यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव 0 होगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह नेक्स्ट टर्म पे आप लोगों को खुद भी पता चल गया होगा कि अगर x की पावर 4 है तो यहाँ पे उसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे और नीचे क्या होगा 4 का फैक्टोरियल। तो ये उसका फार्मूला होता है, इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ ये वाला चेंज हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस x, f का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और इसलिए समथिंग फंक्शन को 1 पे डिवाइड करो यही वाला ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा x स्क्वायर f का डबल डेरिवेटिव 0 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 से थर्ड डेरिवेटिव 0 ओवर 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला होता है। तो हम लोगों ने इसमें करना क्या है कि इसमें हम लोगों ने x को जिस तरह लिखा हुआ है सेम इसी तरीके से रहने देना है, ठीक है। हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन में से, हमारे पास एक क्या होगा f ऑफ x दिया होगा, ठीक है, ये क्या होगा गिवन होगा फंक्शन, इसी फंक्शन में से हम लोगों ने क्या करनी है f ऑफ 0 f का डेरिवेटिव लेके उसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे, इसी तरह जितना अगर यहाँ पे कहता है 3 फैक्टोरियल तक ओपन करें, मतलब x की पावर 3 तक ओपन करें, तो हम लोग क्या करेंगे इसी में से ये फंक्शन है, ठीक है, इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, ठीक है, डेरिवेटिव ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, इसी तरह फिर सेकंड इसी फंक्शन का सेकंड लेंगे, इसी फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, जितने वो डेरिवेटिव कहेगा उतने हम लोगों ने डेरिवेटिव लेके फिर हम लोगों ने क्या करना है कि एक्स पुट कर देना है 0, जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आती जाएंगी वो क्या आती जाएंगी एफ ऑफ 0 और दूसरी क्या है एफ प्राइम 0, एफ का डबल डेरिवेटिव 0 और इसी तरह एफ का थर्ड डेरिवेटिव 0, ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करके फिर हम लोगों ने पुट कर देना है मैक्लॉरिन सीरीज में। हमारा मिशन क्या है कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है फंक्शन में से f ऑफ 0, f का फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर x के में 0 पुट करें, इसी तरह उसका सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन कर लेके फिर x की जगह पे 0 पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आती जाएंगी, ये वैल्यूज कैलकुलेट करके हम लोगों ने फिर उसको पुट कर देना है मैक्लॉरिन सीरीज। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फिर आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी कि मैं ये क्या कहना चाहता हूँ और किस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं अप्लाई मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है, वो कहते हैं लॉग नेचुरल इनटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स की पावर क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 4 प्लस, ये आगे तक ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है कि मैक्लॉरिन सीरीज वाला फार्मूला अप्लाई करके इस फंक्शन पे हम लोगों ने क्या करना है ये राइट हैंड साइड इसकी प्रूव करनी है। तो इसके टोटल 5 पार्ट हैं जो कि हम लोगों ने सेम मेथड से करना है,
तो हमारे पास इसका, अब हम लोग इसका प्रूफ करना चाहते हैं, तो ये प्रूफ करेंगे। हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स होता है, क्या होता है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग नेचर वन प्लस एक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स की पावर को फोर देख लेंगे। हम लोग ने क्या करना है कि इसमें अगर एक्स की पावर फोर तक ये राइट हैंड साइड दी हुई है, तो आप लोग इस फंक्शन के चार डेरिवेटिव ले लो। कितने ले लो, चार डेरिवेटिव ले लो। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम फंक्शन का लेंगे तो वो आ जाएगा वन ओवर वन प्लस एक्स। इसी तरह अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन। इसी तरह मैं फिर इस फंक्शन का जब सेकेंड डेरिवेटिव एक्स लूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा पावर रूल, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे वन आ जाएगा। तो सिंपल हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वन ओवर एक्स की प्लस वन, वन प्लस एक्स है, सॉरी, वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस वन टू। इसी का अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव ले लूं, थर्ड डेरिवेटिव, सॉरी, थर्ड डेरिवेटिव जब लूंगा, तो ये हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। ये पावर फंक्शन नीचे पॉजिटिव है, नीचे इसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस टू वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन, फर्दर डेरिवेटिव लेंगे वन आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा टू वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा टू ओवर वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री। अब इसी फंक्शन का अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव ले लूं, फोर्थ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा पावर रूल, वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री माइनस वन, फिर फर्दर डेरिवेटिव इस फंक्शन का वन आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस थ्री माइनस वन, माइनस फोर हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव में पावर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे x की पावर 4 था, तो हम लोग ने क्या किया, इस फंक्शन के चार फोर्थ डेरिवेटिव ले लिए, ठीक है। ये पहला डेरिवेटिव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मैकलारेन सीरीज के लिए, हमें जो अब मैकलारेन सीरीज का यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, वी नो दैट मैकलारेन सीरीज का फार्मूला क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो प्लस एक्स स्क्वायर, एफ का सेकंड डेरिवेटिव जीरो डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर क्यूब, एफ का थर्ड डेरिवेटिव जीरो और ये थ्री का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर, एफ का फोर्थ डेरिवेटिव जीरो और फोर का फैक्टोरियल ये प्लस ये इनफीरियर्स डैश डैश, मतलब ये आगे सीक्वेंस जा रही है, ठीक है। तो हमें वैल्यूज कौन सी चाहिए, एफ ऑफ जीरो चाहिए, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो चाहिए, एफ का सेकंड डेरिवेटिव जीरो चाहिए, एफ का थर्ड डेरिवेटिव जीरो चाहिए, एफ का फोर्थ डेरिवेटिव जीरो चाहिए। जब ये वैल्यूज हम लोग मालूम कर लेंगे, तो इसको हम लोग क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, अगर मैं इसमें तमाम फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट कर दूं, फोर्थ डेरिवेटिव तक जीरो पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, जीरो पुट कर दूं। ये देखें, मैं इसमें जीरो पुट कर रहा हूं, जहां पे x है वहां पे जीरो पुट करता जाऊंगा, तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ जीरो इज इक्वल टू लॉग नेचुरल वन प्लस जीरो, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वन। लॉग ऑफ वन किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो f ऑफ जीरो की वैल्यू आई वो कितनी आई, जीरो आई, ठीक है। ये पहली वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह जब फर्स्ट डेरिवेटिव x की जगह पे हम लोग जीरो पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा f ऑफ जीरो इज इक्वल टू, इसमें चाहे पुट कर लें वन ओवर वन प्लस जीरो, तो ये हो जाएगी वन ओवर वन इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, वन के। तो f का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो इज इक्वल टू किसके आया, वन के। ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह हम लोग इसके सेकंड डेरिवेटिव एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एफ का सेकंड डेरिवेटिव जीरो। इस फंक्शन में ये इसको सिंपलीफाई किया, यहां तक गया ये वाला फंक्शन,
वन प्लस जीरो का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन। तो एफ सेकेंड डेरिवेटिव जीरो किसके बराबर आ गया, माइनस वन के बराबर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग थर्ड डेरिवेटिव एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे, जब थर्ड डेरिवेटिव में जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की जगह पे जीरो। इस फंक्शन को सिंपलीफाई किया हम लोग ने, ये आया था तो ये टू ओवर वन प्लस जीरो की पावर माइनस थ्री, इसको सिंपलीफाई करेंगे, वन की पावर माइनस थ्री किसके बराबर, और जो नीचे बाकी ये क्या थी पावर अप्लाई किया था नीचे प्लस की हो जाती है, ठीक है। तो ये प्लस की है, वन की पावर थ्री वन होगा, टू ओवर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू। तो हमारे पास जो थर्ड डेरिवेटिव जीरो आया वो कितना आया, टू आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव में एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे। तो ये देखें, ये फोर्थ डेरिवेटिव एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे, ये और ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ का फोर्थ डेरिवेटिव जीरो इज इक्वल टू मैंने सिक्स वन प्लस जीरो की पावर फोर, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस सिक्स। तो एफ के फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस सिक्स के। ये वाली वैल्यूज हम लोग ने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब ये चार वैल्यूज हमारे पास, ये पांच वैल्यूज आ जाएंगी, तो हम लोग इनको फिर मैक्लैरिन सीरीज में पुट कर लेंगे। मैक्लैरिन सीरीज में जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आता जाएगा, ये जो हम राइट हैंड साइड पे प्रूव करना चाहते हैं जी स्टूडेंट। तो जब हम लोग ने ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, तो अब हम फिर क्या करेंगे, यही वाली वैल्यूज इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे। इक्वेशन स्टेरिक मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं, वो क्या थी, मैक्लैरिन सीरीज थी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो और प्लस एक्स स्क्वायर, एफ का सेकंड डेरिवेटिव जीरो, टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर थ्री, एफ का थर्ड डेरिवेटिव जीरो, थ्री का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर, फोर का फैक्टोरियल एफ का फोर्थ डेरिवेटिव जीरो प्लस ये डैश डैश, मतलब ये सीक्वेंस चलती रहेगी, ठीक है। तो हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की, अब इसमें पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स क्या था यहाँ पे, लॉग वन प्लस एक्स, लॉग नेचुरल वन प्लस एक्स के बराबर था। एफ ऑफ जीरो का क्या रिजल्ट आया हमारे पास, इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स, वैसे का वैसे एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कितना आया, वन आया, प्लस एक्स स्क्वायर, एफ का सेकंड डेरिवेटिव जीरो कितना आया, माइनस वन ओवर टू का फैक्टोरियल, एक्स का एक्स की पावर थ्री वैसे का वैसा, एफ का थर्ड डेरिवेटिव जीरो कितना आया, ये टू आया था, ठीक है, ओवर थ्री का फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर फोर वैसे का वैसा, एफ का फोर्थ डेरिवेटिव जीरो कितना आया था, सिक्स, और नीचे कितना है, फोर का फैक्टोरियल प्लस ये, ठीक है। अब हम लोग ने जो प्रूफ करना है उस पर गौर करें, यहाँ पे सबसे पहले क्या है एक्स, तो ये देखिए, ये लॉग नेचुरल वन प्लस एक्स, ये एक्स जीरो प्लस एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, तो ये हमारे पास एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर टू का फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा टू एक्स की पावर थ्री ओवर थ्री का फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा सिक्स एक्स की पावर फोर ओवर फोर का फैक्टोरियल, ये इनफिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि नीचे जो वैल्यूज दी हुई हैं उनके साथ फैक्टोरियल का साइन नहीं है, तो इस फैक्टोरियल को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग नेचुरल वन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, टू का फैक्टोरियल क्या होता है, टू मल्टीप्लाइड बाय वन, टू एक्स की पावर थ्री, थ्री का फैक्टोरियल क्या होता है, थ्री टू वन, प्लस सिक्स एक्स फोर, फोर का फैक्टोरियल क्या होता है, फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको मजीद सिंपलीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग नेचुरल वन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर थ्री, थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा थ्री वन थ्री, थ्री टू द सिक्स, टू से टू फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे ये वाला प्लस एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर प्लस ये इनफिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट। स्टूडेंट जब आप लोग एफ का फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे और उसमें जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस सिक्स आएगा, मैंने वहां पे लिख दिया प्लस सिक्स, ठीक है। वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, डेरिवेटिव लेना मैंने आप लोगों को पहले सिखाया हुआ है, ठीक है। जब उसको मैं जीरो पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस
सिक्स आएगा। तो यही वाली वैल्यूज फिर हम लोगों ने मैकलैरन सीरीज में पुट की, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। आप इसको और इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस पोलोमर, ठीक है। इसके टोटल पांच पार्ट हैं, इनमें से तीन को इसे मैं करवा देता हूँ या चार, ठीक है, बाकी आप लोग ने एक दो खुद कर लेंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट है, मैकलैरन सीरीज से इसको सॉल्व करना है। वो कहते हैं कॉस एक्स का जो फंक्शन होता है, अगर उस पर मैकलैरन सीरीज अप्लाई करें तो ये इसके बराबर होता है। तो ये क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू, ये इस तरह का साइन जो दिया हुआ, ये टू फैक्टोरियल के बराबर होता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस एक्स इज इक्वल टू है वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर ओवर फोर का फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर सिक्स ओवर सिक्स का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ये इस तरीके से जा रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, कॉस एक्स। अब यहाँ पे जो पावर को देख ले, मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है, एक्स की पावर सिक्स तक दी हुई है। तो आप लोग क्या करें कि इस फंक्शन के छह डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट कर लें विद रेस्पेक्ट टू एक्स सिक्स टाइम्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। सेकंड डेरिवेटिव एक्स लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का साइन एक्स, क्या आ जाएगा, प्लस का साइन एक्स। फोर्थ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, साइन एक्स का कितना आ जाएगा, कॉस एक्स। इसी तरह फिफ्थ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, कॉस एक्स का क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। और सिक्स्थ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये हम लोगों ने सिक्स टाइम्स इनके विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लिए। अब मैकलैरन सीरीज के मुताबिक हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए होती है फंक्शन की, एफ ऑफ जीरो, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो, एफ का सेकंड डेरिवेटिव एट जीरो, एफ का थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो, ये वाली मतलब वैल्यूज चाहिए होती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। ये देखें, इसमें जीरो पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो। कॉस जीरो किसके बराबर होता है, वन के। किसके बराबर होता है, वन के। तो हमारे पास एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन। ये पहली वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। इसी तरह इस पे हम लोग x की जगह पे जीरो पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा f का फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो माइनस साइन जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो किसके बराबर आया, जीरो के आया, ठीक है। इसी तरह हम लोग सेकंड डेरिवेटिव एट x जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस जीरो। कॉस जीरो वन के बराबर होता है तो यह आ जाएगा माइनस वन। मतलब सेकंड डेरिवेटिव एट जीरो किसके बराबर आया, माइनस वन के बराबर आया, ठीक है। इसी तरह हम लोग थर्ड डेरिवेटिव, यहाँ पे साइन का फंक्शन, तो साइन का फंक्शन साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन होता है। थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पे साइन का फंक्शन है तो ये साइन जीरो जीरो होता है, तो थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये कॉस का फंक्शन है, कॉस जीरो। फोर्थ डेरिवेटिव एट जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो ये फोर्थ डेरिवेटिव एट जीरो कितना आया, वन, ठीक है, इसमें से हम लोगों ने निकाला। फिफ्थ डेरिवेटिव एट जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सिक्स डेरिवेटिव, कॉस जीरो वन होता है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा एफ का सिक्स डेरिवेटिव एट जीरो क्या होता है, माइनस वन। ये फार्मूले मैंने यूज किए, कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, ठीक है, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। कॉस का एंगल अगर जीरो हो तो कॉस जीरो वन के बराबर होता है, साइन जीरो जीरो होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है, एफ ऑफ जीरो, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो, एफ का सेकंड डेरिवेटिव एट जीरो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स डेरिवेटिव एट जीरो फाइंड आउट करके हम लोगों ने इनको पुट कर देना है मैकलैरन सीरीज में। तो मैकलैरन सीरीज का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय मैकलैरन सीरीज फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, वन का फैक्टोरियल, या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो।
प्लस एक्स का स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव 0, 2 का फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर 3, थर्ड डेरिवेटिव 0, 3 का फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर 4, 4 का फैक्टोरियल, और इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव एट 0, प्लस एक्स की पावर 5, 5 का फैक्टोरियल, एफ का फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0, प्लस एक्स की पावर 6, 6 का फैक्टोरियल, और ये 6 डेरिवेटिव है 0, ये प्लस, ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 6 था तो हम लोग ने क्या किया, इसको 6 फैक्टोरियल था, ये 6 का फैक्टोरियल था, ओपन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो f ऑफ 0 किसके बराबर आया, यहाँ पे 1 के बराबर आया। तो 1 प्लस x, f का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 क्या आया, 0 आया, प्लस x स्क्वायर, f का सेकंड डेरिवेटिव एट 0 कितना आया, -1 आया, 2 का फैक्टोरियल, प्लस एक्स 3, एफ का थर्ड डेरिवेटिव एट 0 कितना आया, 0 आया, 3 का फैक्टोरियल, प्लस एक्स 4, एफ 4 का फैक्टोरियल, एफ का फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 कितना आया, 1 है, प्लस एक्स की पावर 5, 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारे पास फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 कितना आया, 0 आया, प्लस एक्स की पावर 6, 6 का फैक्टोरियल, और 6 डेरिवेटिव 0 कितना आया, -1 आया, फिर वैसे ही इनफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले यहां पे आएगा इज इक्वल टू 1, उसके बाद ये 0। जी स्टूडेंट, इनको हम लोग सिंपलीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या है, ये आ रहा था यहां पे f ऑफ x। अब f ऑफ x किसके बराबर है, cos ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई करेंगे, सबसे पहले है 1 प्लस x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समथिंग को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फोर्थ डेरिवेटिव तक पहुंच जाएंगे x की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां तक पहुंच गए, प्लस माइनस माइनस x की पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल, प्लस ये इनफिनिटी तक। ठीक है, अब इसको हम लोग 0 को एड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, 1 प्लस 0 1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस x ओवर 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस x की पावर 4, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4। ये फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा हुआ तो इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में ही लिख दो। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 ओवर 6 का फैक्टोरियल, प्लस इस तरीके से। ठीक है, अब इस फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos x is equal to 1 minus x square over 2, और ये इस तरीके से। ठीक है, प्लस x की पावर 4 ओवर 4 माइनस x की पावर 6 ओवर 6। ठीक है, तो ये देख लें जो हम प्रूफ करना चाहते थे, यहाँ पे प्रूफ हो गया, तो हम लोग लिख देंगे hence proved। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मैकलॉरिन सीरीज को सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, e की पावर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस x 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल को शो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्या करना है, इसके इस फंक्शन के 3 दफा डेरिवेटिव लेके उनमें 0 पुट करना है उस पे, और उस पे अप्लाई कर देना मैकलॉरिन सीरीज। प्रूफ, हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, e की पावर x। अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले ले, e x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, 1, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा e x। इसका सेकंड डेरिवेटिव x लेंगे फिर भी क्या आएगा, e x। इसका थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो फिर भी क्या आएगा, e x आएगा। ठीक, जितने मर्जी ex के डेरिवेटिव लें तो ex आता जाएगा। हाँ, अगर x के साथ 1 से ज्यादा कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर उसके डेरिवेटिव में चेंजिंग आएगी। अगर e की पावर x हो, सिंपल x का डेरिवेटिव फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो हम लोग जितने डेरिवेटिव लेंगे इसका रिजल्ट क्या आता जाएगा, ex आता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें मैकलॉरिन सीरीज के मुताबिक
हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ जीरो, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो, एफ का सेकंड डेरिवेटिव एट जीरो, एफ का थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो। तो x की जगह पे हम लोग जब जीरो पुट करेंगे तो f ऑफ जीरो इज इक्वल टू e की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो हमारे पास f ऑफ जीरो वन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि फंक्शन तो सेम है, e x आया, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो भी वन आएगा, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव जीरो भी वन आएगा, और इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव जीरो भी क्या आएगा, वन आएगा। जितने मर्जी डेरिवेटिव लें क्योंकि e की पावर x है, जब x की जगह पे जीरो रखेंगे तो हमारे पास 1 1 1 आता जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फंक्शन है ex, जिसका रिजल्ट क्या आता है, इज इक्वल टू 1 आता है जब हम लोग x की जगह पे क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं। अब हम यूज मैक्लॉरिन सीरीज यूज करेंगे, यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज। वो फार्मूला क्या होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू होता है f ऑफ 0 प्लस x f का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 1 का फैक्टोरियल, या ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, प्लस x स्क्वायर f का सेकंड डेरिवेटिव 0 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 3 का फैक्टोरियल और इसका थर्ड डेरिवेटिव एट 0। अब हम लोग ने क्या करना है कि इसमें वैल्यू पुट करनी है f ऑफ 0 f डैश 0 f का सेकंड डेरिवेटिव 0 f का थर्ड डेरिवेटिव एट 0। f of x हमारे पास क्या है, e x, f of 0 कितना आया, 1 है, x वैसे का वैसा ये भी 1 आया, ठीक है, प्लस x square इसका ये भी 1 आया, प्लस x 3 3 का फैक्टोरियल और ये भी कितना आया, 1 आया, इनफिनिटी, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता जाएगा वो e x का आता जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस x square ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ex is equal to 1 plus x square over 2 का फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, plus x की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट भी सेम इसी मेथड से करना है। जिसका लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है f of x is equal to कितना है, e की पावर 2x। मैक्लॉरिन सीरीज मैंने यूज करना आप लोगों को बता दिया, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना सिखा रहा हूं आप लोगों को। तो इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन टोटल आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, मतलब ये आ जाएगा 2e की पावर 2x। ये देखें फार्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव e की पावर f(x) हो तो ये किसके बराबर होता है, पहले e f(x) फिर इस f of x का फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सेम इसी तरीके से किया कि पहले टोटल फंक्शन देख लिया और उसके ऊपर वाले फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये 2 कांस्टेंट इस e2x का दोबारा आ जाएगा 2e2x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4e की पावर 2x, 2 to the 4। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 4 कांस्टेंट e2x का क्या आ जाएगा, 2e2x, तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा 8e की पावर 2x। अब आप लोगों ने क्या करना है, जहां पे x है वहां पे पुट कर देना 0, व्हाट x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएंगे कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी, आप लोगों ने उनको पुट कर देना है मैक्लॉरिन सीरीज में और खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों से ना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता दिया करें, मैं उनकी सलूशन आप लोगों को सेंड कर दिया करूंगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी हम लोग, फिर इसी एक्सरसाइज में एक और इम्पोर्टेंट सीरीज है जिसका नाम है टेलर सीरीज, वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।